नमस्कार दोस्तों, अशोक ट्रेडर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं निफ्टी फ्यूचर क्या होता है, शेयर मार्केट के अंदर निफ्टी फ्यूचर को कैसे ट्रेड किया जाता है, और इसके अंदर जो एक्सपायरी डेट होती है वो कौन सी होती है, किस दिन यह एक्सपायर होता है, ये कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन निफ्टी फ्यूचर के बारे में हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, निफ्टी फ्यूचर क्या होता है शेयर बाजार में। दोस्तों, जैसा सभी जानते हैं, निफ्टी फ्यूचर जो है वो निफ्टी फ्यूचर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं निफ्टी के बारे में। और निफ्टी का ही जो ट्रेड होता है फ्यूचर में, उसको निफ्टी फ्यूचर हम बोलते हैं वैसे। तो अभी हम समझ लेते हैं कि निफ्टी क्या होता है, इसके बाद निफ्टी फ्यूचर को समझेंगे। तो निफ्टी को समझने से पहले देख लें हम कि हमारे पास ये हमें ऑन स्क्रीन एक वेबसाइट ओपन कर रहा है, जो कि www.nseindia.com है, जो कि गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्टैंडर्ड वेबसाइट है। और शेयर मार्केट के अंदर जितना भी डाटा ट्रेड होता है, जितनी भी स्क्रिप्ट कंपनी ट्रेड होती है, वो सारा डाटा, उनका रिकॉर्ड इस वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है। सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के अंदर रहती है, जिसको हम nsindia.com के नाम से जानते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट है ये। अब इसमें निफ्टी फिफ्टी यानी कि निफ्टी के अंदर 50 शेयर्स या स्क्रिप्ट रहती हैं, कंपनियाँ रहती है, उनसे मिलकर निफ्टी फिफ्टी बना होता है। और अभी देख सकते हैं आप निफ्टी की जो रेट है, लास्ट दिन जो ट्रेड हुआ था अंतिम दिन, उसकी रेट आप देख सकते हैं 10,894.70 लास्ट ट्रेड हुआ है। ये यहाँ आप देख सकते हैं दो जगह इसके स्क्रिप्ट आ रही है, और ये जो है 0.072% अप हुआ है, 77.70 अप हुआ है प्रीवियस डे से, इतना मार्केट चढ़कर बंद हुआ है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन से शेयर होते हैं। पहली बात तो निफ्टी 50 का, जैसे मैंने एनएस इंडिया की यहाँ पर लाइव मार्केट जाकर इक्विटी स्टॉक में जैसे हम क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पे हमारी एक विंडो ओपन होती है निफ्टी 50 के अंदर, जितने शेयर हैं सारे 50 शेयर, जो जो कंपनी है वो सारे ओपन हो जाते हैं। और ये सभी ए ग्रेड के शेयर रहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स रहते हैं, जैसे आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, आपका बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स के कुछ एक एक दो शेयर मिलाकर 50 शेयर कलेक्ट किए जाते हैं, वो भी स्टैंडर्ड शेयर रहते हैं ए ग्रेड के, उनसे मिलकर निफ्टी 50 बनता है। ठीक है, और ये 50 शेयर में जब मूवमेंट होता है, ये सेक्टर्स के अकॉर्डिंग शेयर मूव करते हैं, इनकी न्यूज जो भी आती है मार्केट में, मूवमेंट जो होता है इनकी अर्निंग प्रॉफिट जो कंपनी होता है उनके अकॉर्डिंग इनमें मूवमेंट होता है, उससे ये 50 शेयर्स का कॉम्बिनेशंस के मूवमेंट से निफ्टी 50 में मूवमेंट होता है। अब निफ्टी 50 रहता है, निफ्टी चूंकि इसका रेट जो है 10,894 रुपये एक शेयर की रेट है, ठीक है, निफ्टी की, तो इसको ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल रहता है, इसको ट्रेड नहीं कर सकते, केवल ये एक मार्केट इंडेक्स है, मार्केट सूचकांक है, जिससे हम हमारे लिए मार्केट मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, मान कि मार्केट किस साइड में मूव कर रहा है, यानी कि ये ए ग्रेड के शेयर रहते हैं 50, इनमें मूवमेंट होता है, ये दिशा निर्धारित करते हैं शेयर मार्केट किधर जाने वाला है। वैसे जो इंडेक्स रहते हैं वो दो बड़े बड़े इंडेक्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, सेंसेक्स और निफ्टी, और निफ्टी और सेंसेक्स को देख कर ही हम मार्केट की चाल का पता लगाते हैं। अब बात करें निफ्टी फ्यूचर की, तो निफ्टी फ्यूचर जो रहता है, इस निफ्टी को ही कॉन्ट्रैक्ट रूप में ट्रेड किया जाता है, इसको फ्यूचर बोलते हैं। उसके लिए हम आपको देखें, जैसे यहाँ पे जो स्क्रीन पर इक्विटी का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इस एरो पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ से इक्विटी डेरिवेटिव सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं निफ्टी पहले, ठीक है। जैसे हम निफ्टी करेंगे तो निफ्टी 50 हमारे पास आ जाएगा, इसको हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, और ये क्लिक करेंगे हम, तो हमारे पास ऐसे क्लिक करते हुए निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है वो ओपन हो गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है कि इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है, इसको इंडेक्स बोलते हैं, सूचकांक बोलते हैं, सिंबल है निफ्टी। इसकी एक्सपायरी डेट, जो एक्सपायरी डेट क्या होती है, इसको हम बता दें फ्यूचर के बारे में, कि जो महीने का, एवरी महीने का लास्ट गुरुवार रहता है, अंतिम गुरुवार को इसकी एक्सपायरी होती है, क्या होती है बताते हैं अभी। और यह नेक्स्ट 3 महीने तक की डेट रहती है, जैसे इस अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी में जो 25 जनवरी आएगी उस दिन गुरुवार होगा, और गुरुवार के दिन इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। और इसकी रेट जो है अभी लास्ट हमने देखा 10,916 है, जबकि जो निफ्टी ओरिजिनल था निफ्टी 50, उसकी रेट आप देख सकते हैं कि 10,894.70 है, और निफ्टी फ्यूचर की रेट है 10,916। अब ये रेट में डिफरेंस क्यों है, इसके बारे में बता दें, चूंकि जब ट्रेड होता है तो ये एक्सपायरी डेट से ट्रेड होता है, इसमें 3 एक्सपायरी नेक्स्ट अगले तीन महीने के लिए ट्रेड रहता है जी। और जैसे ही हमारा जनवरी खत्म होगा, तो जैसे अभी ये जनवरी फरवरी मार्च 3 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं इसमें, जनवरी खत्म होगा तो 1 महीना और बढ़ जाएगा, जनवरी खत्म होगा तो फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ये ट्रेड होता है। अब ये 25 जनवरी की रेट जो है, फ्यूचर की रेट जो 10,916 है, 25 के बाद नेक्स्ट इसमें एक्सपायरी आएगी 22 फरवरी को, उस दिन लास्ट गुरुवार आएगा,
तो उसकी रेट देखें तो आपको 936 रुपये देख रही है। इसके बाद नेक्स्ट एक और एक्सपायरी आएगी 28 मार्च को आएगी, इसकी रेट देखें तो इसकी रेट 10,954। तो अलग अलग फ्यूचर्स की रेट अलग अलग रहती है यह एक्सपायरी। अब इसको ट्रेड करते हैं, यह जो ट्रेड होता है वो इंट्राडे भी ट्रेड होता है और आपका होल्डिंग यानी कि एक्सपायरी डेट के लिए भी ट्रेड होता है। जैसे मान लो 25 जनवरी का हम फ्यूचर आज की रेट में खरीद लेते हैं, वैसे मान लो 10,916 रुपये में यदि हम खरीद लेते हैं और हमें पता है कि इसकी एक्सपायरी है 25 जनवरी, तो हमको 25 जनवरी 2018 से पहले पहले या उस दिन तक आपको यह बेचना पड़ेगा, ठीक है, आज खरीदते हैं तो। और यदि आपने आज खरीद दी इसको बेच दिया है यानी सेल आउट कर दिया है तो आपको उस दिन जाके खरीदना पड़ेगा जरूर करीब, ठीक है। यदि आप नहीं खरीदते नहीं बेचते तो फिर आपको इसको रोल आउट करना पड़ेगा। रोल आउट मतलब कि 25 जनवरी की एक्सपायरी में आपने इसको 25 जनवरी वाला जो एक्सपायरी डेट है उसको आपने फ्यूचर को खरीदा है या बेचा है तो इसको रोल आउट करके आप 22 फरवरी आपकी डेट बढ़ा सकते हैं, वो आपका उस दिन आपका चेंज हो जाता है आपके ब्रोकर के द्वारा, फिर आप इस फ्यूचर में शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर इसी पूरे महीने में आपको जैसे आपको प्रॉफिट होता था आपको बेचना पड़ेगा या बेचा है तो खरीदना पड़ेगा। और इस 22 फरवरी के बाद इसको फिर आप रोल आउट कर सकते हैं, यदि नहीं बेचते हैं तो 28 मार्च वाली एक्सपायरी डेट पर आप जा सकते हैं। ऐसे करके आप 1 महीने बढ़ा भी सकते हैं इस फ्यूचर, जैसे इसका नाम है फ्यूचर, फ्यूचर में ट्रेड होता है ये। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लो आपने इंट्राडे ट्रेड कर लिया, हाँ, अब हम बताते हैं आपको कि ये फ्यूचर ही ट्रेड क्यों होता है, निफ्टी क्यों नहीं होता। निफ्टी ट्रेड नहीं होता क्योंकि निफ्टी का ट्रेड करना काफ़ी टफ है, काफ़ी फंड लगता है और उसको ट्रेड नहीं कर सकते। इस कारण इसके इंडेक्स के फ्यूचर बन गए हैं, फ्यूचर बना दिए हैं, एक्सचेंज बनाए हैं ट्रेडिंग ईजी करने के लिए। अब कई सारे जो ब्रोकर रहते हैं, जो आपका ट्रेडिंग जो एजेंट रहते हैं, ब्रोकर रहते हैं जो आपको ट्रेड करवाते हैं, जहाँ से हमारा डीमैट अकाउंट ओपन रहता है, जहाँ पे हमारा डीमैट अकाउंट है, ब्रोकर है जिनको हम बोलते हैं, उनके माध्यम से आप इसको ट्रेड करते हैं। तो पहले इसका जो लॉट साइज रहता था निफ्टी का वो 50 का रहता था, मतलब कि 50 क्वांटिटी आपको एक टाइम में खरीदना होता है निफ्टी फ्यूचर के अंदर। लेकिन अभी क्या है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो 75 का हो गया है इसका, ठीक है, लॉट साइज जो है 75 का हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी इन्फॉर्मेशन दी इसने, ये यहाँ पे लिखा है मार्केट लॉट 75। तो आपको 10,916 रुपये इंटू 75 का मार्जिन कितना होता है, यहाँ पे कैलकुलेटर में हम आपको कैलकुलेट करके बताएं, कैलकुलेटर एक बार निकाल लेते हैं, ये देखें कैलकुलेटर में आप। तो इसमें जो है इसकी यदि हम इसको ट्रेड करते हैं फुल प्राइस में तो कितना आएगा आपका, ये 10,10916 इंटू यदि 75 कर दिया जाए तो यूँ बनता है इसकी प्राइस 21,25,000, 10,000, लाख, 8,18,700 रुपये आपको देना होगा एक लॉट साइज खरीदने में फ्यूचर के लिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, फ्यूचर ट्रेडिंग में जो ब्रोकर रहता है वो एक्स्ट्रा मार्जिन मनी इसमें ट्रेडिंग के लिए देता है, कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन मनी एनएसई देता है इंट्राडे यदि आप ट्रेड करते हैं और डिलीवरी ट्रेड करते हैं तो उसके लिए भी। और कई सारे ब्रोकर तो ऐसे हैं जो 5 से 6 हज़ार रुपये, 5 से 10 हज़ार मान लीजिए, 5 से 10 हज़ार रुपये में आपको एक लॉट ट्रेड करने के लिए अलाउ कर देता है कि आप इंट्राडे में 5 से 10 हज़ार रुपये यदि आपके पास है तो आप इसको इंट्राडे में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और जो प्रॉफिट लॉस होता है वो इंट्राडे आपका क्लियर हिसाब हो जाता है। तो ये दोनों तरीके ट्रेड होता है और इसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकाल सकते हैं आप और काफ़ी अच्छा इसमें लॉस भी होता है, ठीक है। तो इसमें कैसे ट्रेडिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग होती है आपकी जैसे इंट्राडे आपको ट्रेड करना है, 9:15 मार्केट ओपन हुआ, आप देखते हैं आपकी महीना कौन सा चल रहा है, जनवरी मन 25 जनवरी का आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका सॉफ्टवेयर रहता है सॉफ्टवेयर के अंदर, आप 25 जनवरी का आपने सेलेक्ट किया, आपको जहाँ भी आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है आपकी टेक्निक है उस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप इसको बाय करेंगे और सेल करेंगे, इंट्राडे निकाल देंगे। और आपको यदि 5 से 10 हज़ार रुपये आपके डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में है तो वहाँ से आप इसको आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। आपका ब्रोकर जो कितना आपको अलाउ करता है, शेयर खान तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लेता है, वैसे मेरे पास शेयर खान का है और एक और भी है आस्था ट्रेड है, एक MP भोपाल जिसका हेड ऑफिस है उसका भी मैं आपको बताऊँ अभी, यहाँ पर आस्था ट्रेड .com इसकी वेबसाइट है, आप इस पर आकर देख सकते हैं ये पूरा। और इसका जो मार्जिन अलाउ करता है ये इंट्राडे में, आप इसने लिखा क्लियरली कि निफ्टी आप दो निफ्टी जो है ₹5,000 पर लॉट, एक लॉट आप 5,000 रुपये में खरीद सकते हैं, बैंक निफ्टी भी 5,000 में खरीद सकते हैं, क्रूड ऑयल भी 2,000 रुपये में आप एक लॉट ले सकते हैं और गोल्ड 15,000 रुपये में आप एक लॉट ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है यदि आपका आस्था में अकाउंट है, तो आप यदि आप आस्था में अकाउंट है और आप बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड करना चाहते हैं तो 5,000 यदि आपके अकाउंट में तो आप एक लॉट आसानी से इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, एक लॉट बेच के खरीद के बेच सकते हैं, फिर वापस एक लॉट खरीदा बेचा इस करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं निफ्टी फ्यूचर ट्रेड में। लेकिन ये निफ्टी फ्यूचर ट्रेड जो है काफ़ी रिस्की रहता है, बहुत ही मूवमेंट इसमें होता है और इसमें
1 रुपये का मूवमेंट यानी कि 75 रुपये का लॉस प्रॉफिट होता है, 10 रुपये का मूवमेंट हुआ यानी कि आपका 750 रुपये ऊपर नीचे होते हैं, और इसमें जो मूवमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं इसका जो है 25 जनवरी का जो आपका लॉट है कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप देखें कि यह ओपन हुआ था 10,820 पे और हाई गया 10,918, यानी कि करीब करीब सीधा 100 रुपीज़ ऊपर गया। 100 रुपीज़ यानी कि 75 × 100 यानी 7,500 रुपये ऊपर इसमें प्रॉफिट हुआ, ऊपर गया। और लो कितना गया, 820 से 792 यानी कि 25-30 पॉइंट का इसमें मूवमेंट हुआ। तो यदि आपने सही दिशा और सही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड नहीं करते हैं तो 5,000 आपके बहुत ही आसानी से आपका लॉस हो सकता है। इस कारण से यह ट्रेड करना काफ़ी रिस्की है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट रहते हैं निफ्टी ट्रेडर, वो इस निफ्टी में ट्रेड करके काफ़ी अच्छा गेन करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। और यदि आप फ्यूचर के लिए ज़्यादा आपके पास नज़रिया अच्छा है, अच्छा आपका नॉलेज है शेयर मार्केट का, तो आप होल्ड भी रख सकते हैं इसको एक्सपायरी डेट तक, और इसके एक्सपायरी बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। सेल करके भी रख सकते हैं, खरीद के भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फ्यूचर होता है। और फ्यूचर की बात क्यों करें, क्योंकि ये एक प्रकार का आपका पूरा पेमेंट आप नहीं देते, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपका, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, या यूँ कहें कि इसको हम एक्सपायरी डेट या मैच्योरी डेट, या आपका एक जो रहती है एक्सपायरी डेट, जैसे इसमें 25 जनवरी है, या इसको एक समझौता कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इस टाइप का होता है, इसका इसको फ्यूचर बोलते हैं कि फ्यूचर में हमें इतना एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है। जैसे मान लो 10,916 आपकी रेट है, आपने बोला कि भाई फ्यूचर में हमारी ये 11,000 निपटी जाएगी, ठीक है, हमने बोली हमने खरीद लिया भाई 28 मार्च का खरीद लिया, 28 मार्च तक हमारी जो रेट है वो 11,000 तो रही, 12,000 हमारी रेट जाने वाली, तो आज आपने खरीद लिया 10,954 में, और जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस रेट पर चाहिए आप इसको बेचेंगे, तो इस तरीके से इसका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग सेम ट्रेडिंग रहती है, जैसे आप शेयर का बायर सेल करते हैं इस तरीके से इसका बायर सेल करते हैं, लेकिन इसमें फंड आपको ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी निफ्टी फ्यूचर की। यदि आप इस वीडियो और इस निफ्टी फ्यूचर की जानकारी सेटिस्फाई है, यदि अच्छी आपको समझ में आई, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो नीचे कमेंट करके बताएं, और वीडियो यह पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। और हम इससे निफ्टी फ्यूचर के बारे में, निफ्टी ऑप्शंस के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो बताने वाले हैं, जो कि कॉल पुट रहता है जिसको हम बोलते हैं कॉल पुट, उसके बारे में वीडियो बताने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप हमारे इस अशोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको निफ्टी फ्यूचर से संबंधित यह बेसिक जानकारी कुछ जो हमारे पास थी हमने बताने का प्रयास किया आपको समझ में आएगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट एक और शेयर मार्केट संबंधित वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।